24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. अहदाफ, हर्फ स्वाद और उसकी आधी शक्ल की आवाज की पहचान होना। हर्फ स्वाद से मुतल्लिका ज़खीरा अल्फाज से आगाही। हर्फ स्वाद और उसकी आधी शक्ल की दुरुस्त बनावट से लिखाई। हर्फ स्वाद के अल्फाज की हिज्जा साजी। सुनने और बोलने की सरगर्मी, गुफ्त शनीद। बच्चों के साथ दायरे में बैठें और उनसे पूछें कि वो सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करते हैं। नमूने के तौर पर यह जुमला बोलें, मैं सुबह उठकर दांत साफ करती हूँ। बच्चों से कहें कि वो एक मुकम्मल जुमले में अपनी बारी पर जवाब दें। हर्फ स्वाद और उसकी आधी शक्ल की आवाज की पहचान और ज़खीरा अल्फाज से आगाही की सरगर्मी। बच्चों को हर्फ स्वाद का फ्लैश कार्ड दिखाएं और बताएं कि यह हर्फ स्वाद है और इसकी आवाज स है। हर्फ स्वाद की आधी शक्ल का फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाएं। बच्चों को हर्फ स्वाद के अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी सुनाएं। हर्फ स्वाद की कहानी। सुबह हुई, साइमा, आसिम और वकास सोफे पर बैठे थे। अम्मी ने कहा, जल्दी से घर साफ कर दो, सनोबर के पौधे को पानी दो, साबुन को साबुनदानी में रखो, सुराही को उठाकर कोने में रखो, तस्वीरों को साफ करके दीवार पर लगाओ, संदूक से कपड़े निकालकर इस्त्री करो और सेहन को धोकर साफ कर दो, क्योंकि सिद्दीक भाई मिलने आ रहे हैं। अम्मी ने साइमा को नसीहत की कि जब मामू आए तो उन्हें सलाम करना। साइमा बहुत मासूम और शर्मीली थी, इसलिए अम्मी उसकी हौसला अफजाई करती थी। सफाई के बाद घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब बच्चे भी नहा धोकर साफ हो गए। मामू सिद्दीक सबसे बहुत खुलूस से मिले। वो तोहफे में गंदम लेकर आए, क्योंकि उस वक्त गंदम की फसल तैयार थी। और कहानी सुनाने के बाद स्वाद के अल्फाज अखज करवाए। स्वाद के अल्फाज में से उसकी पूरी और आधी शक्ल की शनाख्त करवाएं, जैसे साफ, हिर्स। हर्फ स्वाद के चंद अल्फाज के हिज्जे सौतियात की मदद से करवाएं, जैसे स ओ फ हा सोफा, स आ ब न साबुन, स न द उ क संदूक। बच्चों से पूछें कि इन अल्फाज में हर्फ स्वाद कहाँ आ रहा है। सोफा, साबुन, मासूम, फसल, खुलूस, मुखलिस। हर्फ स्वाद और इसकी आधी शक्ल की दरुस्त बनावट से लिखाई की सरगर्मी। तख्ताए तहरीर पर चार लाइनें लगाएं। उस पर हर्फ स्वाद और उसकी आधी शक्ल दरुस्त बनावट से लिखें। बच्चों को बताएं कि ये सीन और शीन की तरह गोलाई वाला हर्फ है। लिखाई के दौरान इसकी गोलाई का ध्यान रखें। बच्चों से कहें कि वो हवा में उंगली की मदद से हर्फ स्वाद और इसकी आधी शक्ल लिखें। बच्चों के चार ग्रुप्स बनाएं। ग्रुप नंबर एक, बच्चों से कहें कि वो हर्फ स्वाद से मुतल्लिका तस्वीर बनाएं। ग्रुप नंबर दो, बच्चों से कहें कि वो स्वाद की कहानी में से स्वाद के अल्फाज की शनाख्त करें और इनके गिर्द दायरा लगाएं। ग्रुप नंबर तीन, बच्चों से कहें कि वो हर्फ स्वाद की लिखाई की मश्क टेम्पलेट पर करें। ग्रुप नंबर चार, बच्चों से दुरुस्त बनावट से स्वाद और इसकी आधी शक्ल लिखवाएं। उनकी स्वाद से मुतल्लिका बनाई गई तस्वीर दूसरे सफ़े पर चिस्पा करें और चंद अल्फाज के हरूफ की सौतियात की मदद से हिज्जे करवाएं। इख्तितामिया, बोर्ड पर सीन और स्वाद के फ्लैश कार्ड और उनसे मुतल्लिका तस्वीर लगाएं और बच्चों से कहें कि वो सीन और स्वाद के सामने इससे मुतल्लिका तस्वीर लगाएं। वर्कशीट स्नोमैन पब्लिशर्स की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट का एड्रेस है www.snowmanpublishers.com।